सबका नमस्कार, मैं हूँ यश कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 27 इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा रखा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को लॉकडाउन किया हुआ है। हम आपको बता दें कि शहर के लोग बिना हाथों को सैनिटाइज किए और बिना मास्क लगाए मुंह पर घर से बाहर नहीं निकलते और ना ही कुछ काम करते हैं। और आज हम जानेंगे कि जैसे गेहूं की फसल पककर इस टाइम तैयार हो गई है और किसान उस फसल को काटने के लिए तैयार है। और आज हम जानेंगे कि क्या किसानों ने अपने हाथ को सैनिटाइज किया है, क्या उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया है और इस लॉकडाउन का वो कितना पालन कर रहे हैं और उनकी खेती पर, उनकी जो जॉब्स हैं यानी कि वो जो कार्य करते हैं उस पर कितना असर देखने को पड़ा है। और हम बात करेंगे क्या अगर इस कोरोना वायरस को बढ़ने को लेकर अगर लॉकडाउन प्रधानमंत्री और आगे बढ़ाते हैं तो इसके बारे में उनका क्या कहना है। चलिए हमारे साथ मिलते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं, अपनी गेहूं की फसल काट रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शर्मा। अच्छा शर्मा जी, जो आप ये गेहूं की फसल काट रहे हैं इसे कितने दिन से आप काट रहे हैं? इसे हम काफी दिन से काटते हैं। 10 दिन से लग रहे हैं। अच्छा बात करी जाए जैसे कि इस टाइम कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा रखा तो इसके बारे में क्या कहना है? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश को लॉकडाउन किया हुआ, जो कर रहे हैं कर रहे हैं जो वो देश के लिए कर रहे हैं और हमारे देश में उन्होंने छूट कर रखी अपने काम को, बंद कर दिया हमारा काम रोकने के लिए भी कहना है थोड़ा ये अपने आप ही सुबह गन्ना छोड़ना, शाम के दूसरे को फिर बाद अपनी कटाई करना, ये कार्य करना पड़ रहा है किसान को, मजदूरों को चलते बड़ी परेशानी आ रही। अच्छा शर्मा जी, बात करी जाए जो गेहूं की फसल है और जो आप यहाँ पे गेहूं की फसल काट रहे हैं, क्या आपने अपने हाथों को सैनिटाइज किया है? सैनिटाइज हम कब तक करेंगे? वो तो बार बार कहते हैं कि हाथ धो, परंतु हमें इतना हाथ धोने का टाइम थोड़ा ही मिलेगा। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, शाम के टाइम तो आप सैनिटाइज करते होंगे ना घर जाकर? शाम के टाइम हम अपने घर जाकर अच्छे तरह से हाथ में साबुन में हाथ पैर धोते हैं। सैनिटाइज नहीं मिलता तो साबुन हमारे घर में मिलते हैं, उनसे हाथ पैर धो हाथ में धोकर अच्छी तरह स्नान करके जब हम खाना खाते हैं। अच्छा बात करी जाए जो पहले आप गेहूँ काटते थे पहले, तो उस टाइम भी क्या मास्क लगाते थे या कोरोना वायरस की वजह से आपको ये मास्क लगाना पड़ रहा है? कोरोना वायरस की वजह से लगाना पड़ रहा है, पहले कोई हिसाब नहीं था। जैसे भी हम काटते थे उसी हिसाब से काटते थे, न कोई लगाना पड़ता, न कोरोना का कोई पता था कोरोना क्या चीज़ है। अच्छा हम बात करी जाए अगर कोरोना वायरस जैसे बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, अगर इसको लेकर प्रधानमंत्री जी अगर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाते हैं तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे और कितना पालन करना चाहेंगे लॉकडाउन का? देखिए बात यह है, नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो अपने आराम से रह सकते थे परंतु वो देश को बचाने के चक्कर में है, इसलिए उन्होंने जो बढ़ाने की भी कोशिश की चाहे बढ़ाने की, यानी कि आप पूरा पालन करेंगे अगर बढ़ाते हैं आगे भी? करेंगे, पालन करते हुए आ रहे हैं, पालन करेंगे और कराएंगे भी लोगों से कह कर के, और कोई ऐसी बात नहीं। तो कोई संदेश देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, अपने देशवासियों को? हाँ, हम अपने देशवासियों को यही कहना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो ठीक कहा है, उसका हमें पालन करना चाहिए और अच्छी तरह से अपने जाकर सैनिटाइज से हाथ पैर धोकर अपना कुछ बाद में खाना खा लेना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं बन रही है। ठीक है, मजदूर नहीं मिलते तो हमारे हम अपने हाथों से काम करते हैं और करना चाहिए, मजदूर के भरोसे कोई सारी बात चीज़ थोड़ा ही है, क्योंकि मजदूर तो उस टाइम मिलना बड़ा भारी हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो गेहूं की फसल होती है वो किस कार काटी जाती है, इसको तो शायद आप सभी जानते होंगे और कुछ भाई नहीं जानते तो हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं दराती, इससे गेहूं की फसल काटती है। चलिए हम काट लेते हैं कि गेहूं की फसल किस प्रकार काटी जाती है। आज तक तो नहीं काटे लेकिन आज देख भी लेते हैं, क्योंकि जो काम नहीं आता उसको करना चाहिए। आइए हमारे साथ, आइए आपको दिखाते हैं। इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके ऐसे काटते हैं। लीजिए, हमने थोड़ी सी गेहूं की फसल को, ये अनाज की जो फसल होती है उसको काट लिया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो किसान है उन्हीं से इसके बारे में।
क्या नाम है आपका? हरेंद्र शर्मा। अच्छा हरेंद्र शर्मा जी, अगर हम बात करें जैसे आप गेहूं की फसल काट रहे हैं तो कितने दिन से आप गेहूं की कटाई कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल तो 5-7 दिन से कर रहे हैं। 5-7 दिन से कर रहे हैं। अच्छा अगर हम बात करें जैसे कि लॉकडाउन चला हुआ है और कोरोना वायरस ने पूरा हाहाकार मचा रखा है पूरे विश्व भर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो ये चला जाए फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आप अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करते हैं घर पे जाकर शाम को? यूज होते हैं। अच्छा यानी कि आप जो गेहूं की फसल कटाई कर रहे हैं मास्क लगा कर तो काटते हैं ना? हाँ मास्क लगा रखा है। अच्छा कितने दिन में और कट जाएगी ये आपकी जो फसल है? बस कल कट जाएगी। कल कट जाएगी। अच्छा जैसे कि लॉकडाउन अगर प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप उसका पालन करेंगे? और हाँ बिल्कुल उनका पालन कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं उनका ही पालन कर रहे हैं। भाई मानने की बात है, लॉकडाउन को 2 बार आगे बढ़ा गया है, अगर 3री बार भी वो कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, जो कहेंगे उनका पालन करेंगे। अच्छा तो आपके क्षेत्र में कोई कोरोना से संबंधित पाया है अभी? नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं पाया। कौन सा गांव है आपका ये? हमारा गांव बिनोली है। बिनोली। अगर बात करी जाए जैसे गेहूं की फसल है तो इसको कितने दिन में मतलब बोते हैं और कितने दिन में कटाई आ जाती है? 5 महीने में कटाई आ जाती है। 5 महीने में। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? मेहनत तो देखो काफ़ी है, कहीं पानी चलाना, खाद गिरना और फिर काटना, मेहनत बतेरी है। अच्छा जैसे फसल आपने यहाँ पे ये जो रखे हैं ये काट कर गेहूँ की पूली बांध कर, तो इसको फिर किस चीज़ से निकालते हैं जो इसके अंदर अनाज है? जैसे कि ये अनाज इसमें होता है, मशीन होती है, मशीन काटती है। मशीन होती है, मशीन काटती है। अच्छा कितना निकल जाता है एक बीघे की अगर हम बात करें? देखो अगर अच्छा हो तो 8-10 मना 11 मना निकल जाता है, हल्का है तो 8-6-7 मना निकल जाता है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि इस गेहूँ की फसल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब तक ये लोगों तक पहुँच पाता है। अच्छा, तो कोई और संदेश देना चाहेंगे भाई कोरोना वायरस को लेकर अपने किसान भाइयों को, देशवासियों को? हाँ ये है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनके कह में चले।